Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4 by Brain Root series, and here is a book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 7 and the name is Plants Living and Surviving. So yes, we are going to learn about plants in this chapter. So the topics that we are going to cover is terrestrial or land plants. तो हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स क्या होते हैं उनके बारे में, एक्वेटिक या फिर वाटर प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली के कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं वो कौन से होते हैं, रेन फॉरेस्ट एंड यूजफुल प्लांट्स. सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. Take the correct option for each of the following. इन सब में आप देख सकते हो कुछ sentences लिखे गए हैं और उससे related कुछ options दिए गए हैं. आपको उन options को take करना है जो appropriate है. So the first one is a plant that grows in water. ऐसे plant का नाम बताइए जो क्या कर रहा है, पानी में grow करता है. So yes, obviously it's lotus. तो lotus को हम take करेंगे. Similarly children, you have to do the rest of the questions. Now let's start the chapter. Plants grow almost all over the world. पूरी दुनिया जो है वो प्लांट से भरी हुई है. हर जगह प्लांट्स ग्रो होते हैं, चाहे तो वो लैंड में ग्रो हो रहे हों चाहे वो पानी में. सो प्लांट्स आपको हर जगह दिखाई देंगे. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड डिफर फ्रॉम दोज ग्रो इन वाटर. तो ये जो लैंड पे मीन्स जमीन पे पैदा होने वाले जो प्लांट हैं वो पानी में पैदा होने वाले प्लांट से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. यू फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स. आपको क्या मिलेगा, प्लांट्स मिलेंगे जो ऊंचे माउंटेन्स पे होते हैं, डीप ओशन में होते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस में होते हैं, ड्राई और वेट प्लेसेस में होते हैं. तो प्लांट आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे माउंटेन हो चाहे ओशन हो, चाहे गर्म जगह हो चाहे ठंडी जगह हो, चाहे ड्राई या फिर चाहे वेट जगह हो. ऑल प्लांट्स लाइक एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन अ सर्टेन प्लेस. जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने के काबिल बन जाते हैं. दिस प्लेस इज इट्स हैबिटेट. और इस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं, जिस वो एटमॉस्फेयर, वो कंडीशन जिसमें कोई प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर जाए, उस कंडीशन को, उस प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं. सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव्स. तो ये हैबिटेट क्या है, वो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्लांट या फिर एनिमल रहता है. अ बर्ड मेक्स हर नेस्ट ऑन द ट्री. बर्ड क्या करती है, अपना जो घोंसला है वो पेड़ पे बनाती है. द नेस्ट एंड ट्री आर द पार्ट ऑफ द बर्ड्स हैबिटेट. सो जो नेस्ट होते हैं या जो ट्री होता है ये क्या है, बर्ड के हैबिटेट का एक पार्ट है. प्लांट्स डेवलप मैनी फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट. प्लांट्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं बहुत सारे फीचर्स जो हेल्प करते हैं उन्हें सर्वाइव करने में अलग अलग हैबिटेट में, उनके उनसे रिलेटेड हैबिटेट में. सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फीचर्स दैट इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. सो ये जो प्रोसेस है डेवलपिंग फीचर का, जो क्या करता है किसी भी एनिमल को या फिर ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में, इसे हम कहते हैं अडेप्टेशन. क्या होता है अडेप्टेशन, कोई भी जो प्रोसेस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर फीचर को डेवलप करने का, जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने में, उस फीचर को हम अडेप्टेशन कहते हैं. ऑल द प्लांट्स फाउंड इन द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड लैंड. सो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, वो अपने क्लाइमेट और लैंड के बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. द प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरियस प्लेसेस आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट. जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं अलग अलग जगहों पे, वो क्या होते हैं, वो अडेप्ट होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं वो, एंड द लैंड, या तो किसी एक लैंड कंडीशन को वो जो है अडेप्ट कर लेते हैं. ऑल प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स.
तो जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें या तो हम टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड प्लांट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं या फिर एक्वेटिक या वाटर प्लांट की कैटेगरी में डाल सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स. तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में उनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग. तो आप देख सकते हो बर्ड है अपने नेस्ट में, जो क्या है उसका वही हैबिटेट है, वही उसका आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे वो रह पाती है. नेक्स्ट ये यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ नेस्ट ऑन अ ट्री. नाउ चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट विद द टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट. तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड प्लांट. सो प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड, ऐसे प्लांट जो ज़मीन पे ग्रो होते हैं, जो लैंड पे ग्रो होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड. ये जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीके के लैंड पे ग्रो किए जाते हैं. दीज आर इन हिली एरियाज वेयर इट इज जनरली कोल्ड. ये क्या है? ये एक ऐसी जगहों पर है जहाँ पे जो है बहुत ठंड रहती है, पेड़ रहते हैं, टॉल और स्ट्रेट पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं. सो हिली एरियाज में आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे. दीज ट्रीज हैव नीड लाइफ लीव्स. अब यहाँ के जो लीव्स होते हैं इन प्लांट्स के, उनके लीव्स एकदम नुकीले होते हैं, नीडल जैसे. इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दीज ट्री बियर कोन्स. फ्लावर की जगह यहाँ पे ये जो पेड़ है यहाँ पे कोन्स होते हैं. द पाइन फर एंड सेडर आर सम सच ट्रीज. तो कुछ ट्रीज के नाम दिए गए हैं, ये कुछ ट्रीज हैं जो हिली एरियाज में ग्रो किए जाते हैं. स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. और जो स्प्रूस ट्री है वो बहुत ही ठंडी जगहों पे मिलते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन हैव मेनी ब्रांचेस. ऐसे प्लांट जो प्लेन में ग्रो होते हैं उनके ब्रांचेस बहुत सारे आपको मिलेंगे. दीज आर ट्रीज दैट कैन ग्रो इन हॉट समर एज वेल एज इन कोल्ड विंटर. ये ऐसे प्लांट होते हैं जो गर्मियों में भी और ऊपर से ठंडियों में भी अपने आप को जो है डेवलप रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीम, गुलमोहर, अशोका एक्सेट्रा. तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो ये अपने आप को उस पर्टिकुलर कंडीशन में ढाले रखते हैं. दीज प्लांट्स हैव थिक एंड लाइट वेटेड लीव्स. इनके जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, मीन्स हल्के होते हैं. द ट्रंक ऑफ दीज ट्रीज आर थिक एंड वेरी स्ट्रांग. और जो ट्रंक हिस्सा होता है, जो इनका तना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक मीन्स मोटा और स्ट्रांग होता है. दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम. ये जो ट्रीज हैं वो अपने जो लीव्स हैं वो ऑटम सीजन में क्या करते हैं? गिरा देते हैं. एंड ग्रो न्यू लीव्स ड्यूरिंग स्प्रिंग. और नए पत्ते जो है ये स्प्रिंग सीजन में ले आते हैं. इन हॉट एंड डैम्प एरियाज. तो अगर हम हॉट और डैम्प एरियाज की बात करें, मीन्स ऐसे जगह जहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और आप कह सकते हैं मॉइस्चर हो सकता है. ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव. ट्रीज के पे जो है बहुत सारे पत्ते होते हैं. बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. लेकिन ये क्या करते हैं पेड़? अपने पत्तों को विंटर में नहीं शेड करते. दे रिमेन एवरग्रीन लाइक द टीक एंड कोकोनट ट्री. ये क्या करते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं. जैसे कि टीक ट्री हो गया या फिर कोकोनट ट्री, ये भी हमेशा हरे भरे आपको मिलेंगे. Some other plants that grow in such places are pepper, rubber, sugarcane, rice and cotton. तो ये भी कुछ और plants हैं जो ऐसे terrestrial areas में पाए जाते हैं. Now, do you know children that redwood of California are the tallest tree in the world? आपको क्या पता है कि जो California में grow करने वाला redwood है वो सबसे ज़्यादा tallest tree होता है पूरे world में. और यहाँ पर आपको picture दिख रही है. प्लांट्स डिफर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग. जैसा सराउंडिंग प्लांट्स को मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करते हैं. एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ मैंगो एंड बैनियन ट्री. दीज टू ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन द प्लेन विच हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस. तो ये जो ट्रीज हैं प्लेन में पैदा होते हैं और इनके बहुत सारे आपको ब्रांचेस मिलेंगे. इन डेजर्ट मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो बिना लीव्स के पैदा होते हैं. कैक्टस एंड पाम आर सम सच प्लांट्स. अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं कि जो कैक्टस प्लांट होता है या जो पाम ट्री होता है इनके जो है आपको जो है यहाँ पे क्या दिखेंगे? लीव्स कम दिखेंगे, विदाउट लीव दिखेंगे प्लांट.
प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब यहाँ पे डेजर्ट एरिया में क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे लीफ तो नहीं होते लेकिन उनकी जगहों पे स्पाइंस होते हैं, मींस कांटे होते हैं। स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, अब स्पाइंस क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। एंड दस प्लांट्स मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, और इसी तरीके से प्लांट अपना खाना बना लेते हैं लीव्स के एब्सेंस में। द ग्रीन फ्लैशी स्टेम ऑफ सच प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, अब ये जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है आपको प्लांट का, ये है स्टेम जिसमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा एंड इट मेक्स फूड, और यही क्या करता है प्लांट के लिए खाना बनाता है। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर, ये क्या करता है, ये फूड और वाटर दोनों को ही स्टोर करके रखता है ताकि प्लांट लंबे समय तक जीवित रह सके। देर आर सम एरियाज वेयर सॉइल इज वेरी स्टिकी, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे सॉइल काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। दीज एरियाज आर कॉल्ड मार्शी एरियाज, और ऐसे एरियाज को हम मार्शी एरियाज कहते हैं। दीज एरियाज हैव क्लेई वेट सॉइल, यहाँ का जो सॉइल है वो क्लेई होता है, मीन्स चिपचिपा सॉइल होता है, वेट होता है, जो क्या करता है विच डज नॉट अलाउ वाटर टू ड्रेन फ्रॉम देम, जो क्या करता है इनमें से पानी को निकलने नहीं देता। द रूट ऑफ द प्लांट्स कम आउट ऑफ द सॉइल एंड एक्ट एज ब्रीदिंग रूट्स, और जो रूट हैं ऐसे प्लांट्स के वो क्या करते हैं सॉइल से बाहर निकल जाते हैं और ब्रीदिंग रूट्स बन जाते हैं, मीन्स यहाँ पे जो रूट्स हैं वो ब्रीद इन करते हैं। देखिए आप देख सकते हो ना यहाँ पे, द प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर मैनग्रोव्स, और यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उन्हें मैनग्रोव्स कहा जाता है। सो मैनग्रोव्स ग्रोन इन मार्शी एरियाज। Now let's learn about the aquatic plants. अभी हमने terrestrial plants के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे aquatic plants क्या होते हैं। So children, plants that grow in water are called aquatic plants. ऐसे plants जो पानी में पैदा होते हैं उन्हें aquatic plant कहते हैं। Aquatic plants are of three types. ये तीन तरीके के होते हैं। And they are free-flowing plant, fixed plant, and underwater or submerged plant. तो ये कितने तरीके के होते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है फ्री फ्लोइंग, फिर है फिक्स्ड प्लांट, और तीसरा है अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट। ऑल दिस प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, तो ये जितने भी प्लांट्स हैं इन सब के अलग अलग फीचर है जो इन्हें हेल्प करता है अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने में। सो लेट्स लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज। सो द फर्स्ट कम्स फ्री फ्लोटिंग प्लांट, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रही है, ये हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट। सो सम एक्वेटिक प्लांट्स विच आर ईदर वेरी लाइट और वेरी स्मॉल इन साइज, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो या तो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं या छोटे होते हैं साइज में। फ्लोट ऑन वाटर फ्रीली, वो क्या करते हैं वाटर पे आराम से फ्लोट करते हैं, बहते रहते हैं। सम कॉमन फ्री फ्लोइंग प्लांट्स आर वाटर हियासिंथ, डकवीड, वोल्फिया एंड पिस्तिया। तो ये कुछ जो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं एंड दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम हीट ऑफ द सन, और ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं छोटे जो वाटर एनिमल्स हैं उन्हें सूरज की गर्मी से बचाते हैं। तो आप देख सकते हो पिक्चर वाटर हियासिंथ की, डकवीड की, वोल्फिया की एंड पिस्तिया की। नेक्स्ट कम्स फिक्स प्लांट्स, अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी में भी ज़मीन से फिक्स होते हैं। सो इन सम एक्वेटिक प्लांट्स द रूट्स आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और लेक, तो जो लेक या जो पॉन्ड है उसके बॉटम में फिक्स रहते हैं। एंड दे हैव लाइट एंड हॉलो स्टेम्स, इनके जो स्टेम हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, हॉलो होते हैं मीन्स खाली होते हैं अंदर से। दैट एनेबल्स द लीव एंड फ्लावर टू फ्लोट ऑन वाटर, जो क्या करते हैं जो हेल्प करते हैं लीव को पानी के ऊपर तैरने में। And their leaves are broad and flat on the upper side. और इनके जो leaves हैं वो काफ़ी ज़्यादा broad होते हैं, flat होते हैं, means बड़े और flat होते हैं ऊपर की तरफ। Lotus, water lily and water chestnut are some examples of fixed aquatic plants. तो यहाँ पर आप देख सकते हो lotus, water lily और water chestnut क्या है, ये कुछ examples हैं इन fixed aquatic plants के। They broad leaves provide the resting place for some tiny birds. अब इनके आप देख सकते हो जो पत्ते हैं कितने broad हैं, चौड़े हैं, तो क्या होता है कई बार कुछ birds भी आके इन पत्तों पे बैठ जाती हैं। So ये क्या है proper resting place है कुछ छोटी मोटी birds के लिए। Next comes underground aquatic plant. अब हम पढ़ेंगे underground aquatic plants के बारे में। So plant like tape grass plant, hydrilla and pondweed remain underwater. So ये जो plant हैं जैसे tape grass plant हो गया, जैसे हाइड्रिला हो गया, पॉन्ड वीड हो गया,
या फिर ये क्या करते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं. दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रिबन लाइक एंड नैरो लीव्स. इनके जो लीव्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, रिबन जैसे होते हैं. दीज लीव्स अराइव इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स. ये जो लीव्स हैं वो रूट से बहुत ज़्यादा घनी मात्रा में निकलते हैं. एंड हैव नो स्टोमेटा एट ऑल, और इनमें स्टोमेटा बिल्कुल भी नहीं होता है. सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हाइड्रिला एंड टेप ग्रास. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. सो हियर यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स. ऐसे प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक? सो इट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट. नाउ मैंगो एंड शीशम ट्री ग्रो इन प्लेन और डेजर्ट. सो दे ग्रो इन प्लेन एरिया. सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योर सेल्फ. नाउ दीज हाइड्रिला और दीज अंडरग्राउंड वाटर प्लांट्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस. क्योंकि इनके अंदर स्टमेटा नहीं होता है तो ये अपने बॉडी सर्फेस से ब्रीद इन करती हैं. दे दीज प्लांट्स क्लीन वाटर बाई रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड. ये वाटर को क्लीन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके. ब्रीद आउट बाई एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड टर्टल. तो फिश और टर्टल जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वाटर में उसे ये अब्जॉर्व कर लेती हैं. दिस इज़ वाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम. इसलिए हम ऐसे प्लांट्स को एक्वेरियम में डालते हैं. नेक्स्ट कम्स प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. अब हम ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो सम प्लांट्स सच एज वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रास फैमिली. सो ये जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया या मेज हो गया, ये ग्रास फैमिली में आते हैं. एंड दे आर वेरी यूजफुल टू अस. ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए. क्यों? बिकॉज दे आर द मेजर फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. क्योंकि ये बहुत बड़े फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं. वी गेट राइस, वीट, मेज एंड शुगर फ्रॉम दीज प्लांट्स. हमें ये सारे चीज़ें जो है इन प्लांट से मिलता है. ग्रास नेम पेपरस इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर. ये एक पेपर बनाने के लिए एक ग्रास यूज़ किया जाता है जिसे हम पेपरस कहते हैं. तो इससे पेपर बनाया जाता है. बैम्बू इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास विच इज़ यूज फॉर मेकिंग बास्केट. बैम्बू भी एक तरीके का ग्रास है जिसे यूज़ किया जाता है बास्केट बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, ब्रूम मीन्स झाड़ू वगैरह बनाने के लिए. नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मेज, राइस, वीट एंड शुगर केन. नाउ दीज आर द पार्ट्स ऑफ ग्रास फैमिली. नाउ ड्राइड ग्रास इज यूज फॉर मेकिंग पैकिंग मटीरियल्स. तो पैकिंग मटीरियल बनाने के लिए ड्राइड ग्रास मीन्स सूखी घास को यूज किया जाता है. ग्रास इज ऑल्सो यूज एज फूड फॉर एनिमल्स सच एज काउ, शीप, बफेलो, गोट एंड हॉर्सेस. अब ये जो सूखी हुई ग्रास है इसे यूज किया जाता है, या जो हरी भरी ग्रास है उसे यूज किया जाता है इन एनिमल्स को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए. सम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन. कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रास फैमिली के हैं, उन्हें मेडिसिन बनाने के काम में लिया जाता है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प टू कंजर्व सॉइल. ये जो रूट्स होते हैं इन इस ग्रास फैमिली के, वो क्या करते हैं, सॉइल को कंजर्व करने में भी हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट नॉन ग्रीन प्लांट्स. सो देर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स मीन्स जो ग्रीन नहीं दिखते हैं एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सो द फर्स्ट कैटेगरी हियर इज पैरासिटिक प्लांट्स. अब हम बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स की. सम प्लांट्स लाइक मशरूम्स, टोडस्टूल्स एंड मोल्ड्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. सो चिल्ड्रेन, दीज प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. सो सच प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ऐसे प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाते एंड यूजुअली अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स. ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स से अपना फूड ऑब्जॉर्व करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स. इसीलिए इन प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट वन टाइप ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फंगस. आपको पता है एक तरीके का जो नॉन ग्रीन प्लांट है उसे फंगस कहते हैं, जो कभी कभी क्या होता है हमारे ब्रेड वगैरह में लग जाता है. सो सम फंगी आर वेरी यूजफुल टू अस, जैसे कि ईस्ट. ईस्ट भी एक फंगी है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. ईस्ट इज़ वॉट मेक्स ब्रेड सो सॉफ्ट एंड फ्लफी. तो ईस्ट क्या करता है, ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बना देता है. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मशरूम. इट इज़ ऑल्सो अ नॉन ग्रीन प्लांट.
Now, next is insectivorous plants. ऐसे plants जो insect पे feed on होते हैं. Some plants are carnivorous in nature. कुछ plants क्या हैं? Carnivorous होते हैं nature में means ये जो है insects खाते हैं. And they trap insect and their leaves are modified to do so. इन ये क्या करते हैं? Insect को अपने leaves में trap कर लेते हैं. इनके leaves ऐसे बनाए जाते हैं कि ये insect को trap कर लेते हैं. Venus fly trap and pitcher plant are इंसेक्ट ट्रैपर्स. तो यहाँ पे दो प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट. आप देख सकते हो पिक्चर वीनस फ्लाई ट्रैप की. ये क्या करते हैं? इनके लीव्स ऐसे बने होते हैं कि यहाँ पे आराम से कोई इंसेक्ट आके बैठता है और वो लीफ बंद हो जाती है. वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ लीव्स विच आर लाइक बॉक्सेस. इनके जो लीव्स हैं वो बॉक्सेस की तरह होते हैं विथ हिंजेस. यहाँ पे आप देख सकते हो हिंजेस हैं. दे हैव लॉन्ग हेयर ऑल अलॉन्ग द एजेस. इनके एजेस में आपको लंबे लंबे हेयर दिखाई देंगे. व्हेन एन इंसेक्ट टचेस द हेयर, जब कोई भी इंसेक्ट हेयर को टच करता है, द लीव स्नैप्स शट. लीव जो एकदम से बंद हो जाता है. ट्रैपिंग द क्रिएचर इनसाइड, ये क्या करता है? उस क्रिएचर को अंदर ही बंद कर लेता है. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट रेन फॉरेस्ट. सो रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट That are found mostly near the equator. Rainforest क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं. Wet forests होते हैं जो ज़्यादातर हमें equator के पास ही मिलते हैं. आपको पता होगा equator सबसे ज़्यादा गर्म part होता है हमारे earth का. So most rainforests exist in parts of Asia, Africa, South America and Australia. So ज़्यादातर जो आपको rainforests मिलेंगे children, आपको कहाँ मिलेंगे? इन एरियाज में मिलेंगे, क्योंकि ये एरियाज कहाँ हैं? इक्वेटर के पास हैं. इन रेन फॉरेस्ट देर आर बोथ टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज. तो रेन फॉरेस्ट के में जो है आपको जो है टॉल और शॉर्ट दोनों तरीके के ट्रीज मिलेंगे विथ लॉट्स ऑफ क्लाइंबर अराउंड, जिनके आसपास आपको बहुत सारे क्लाइंबर प्लांट्स भी मिलेंगे. द ग्राउंड इज कवर्ड विथ लीव्स फर्न्स एंड फंगी. यहाँ पे इन रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? जो ग्राउंड है वो कवर्ड रहता है किससे? पत्तों से, फर्न से और फंगी से. द थिक ग्रोथ ऑफ लीव्स क्रिएट डार्क एरिया, क्योंकि यहाँ जो पत्ते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो एरिया है आपको काफ़ी डार्क मिलेगा. हैविंग एन अम्ब्रेला लाइक शेप, ऐसा लगेगा पेड़ों ने अपना एक अम्ब्रेला बना रखा है. अ वाइड वराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वराइटी ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं. नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट क्लाइंबर्स ग्रोइंग इन रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड लियानास. आपको पता है कि जो क्लाइंबर्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं उनको हम लियानास कहते हैं. सम आर एज थिक एज एंड स्ट्रांग एज रोप, और कुछ इतने ज़्यादा थिक होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जैसे कि कोई रस्सी. एवरी ईयर एन एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट लार्जर दैन केरला. सो हर साल क्या होता है, एक जो एरिया होता है रेन फॉरेस्ट का वो कितना बड़ा होता है? केरला से ज़्यादा बड़ा. इस कट डाउन इन द वर्ल्ड, और इतना ज़्यादा एरिया जो है वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेन फॉरेस्ट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम यूजफुल प्लांट्स. सो जनरली ऑल प्लांट्स डिपेंड ऑन generally all animals depend on plants for food. जितने भी animals हैं वो क्या है? plants पे dependent है अपने food के लिए. We get fruits, oils, vegetables, sugar, cereals, pulses, nuts, etc. all from plants. ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? plants से मिलते हैं. Tea, coffee and cocoa beans are also obtained from plants. So जो tea है, coffee है या जो cocoa bean है वो भी हमें plants से ही मिलते हैं. Trunks of trees like shisham, teak, sal, etc. give us wood for making furniture. जो trunk हैं, जो trunk का जो part है इन पेड़ों का, जैसे शीशम हो गया, teak हो गया, sal हो गया, या फिर कुछ और plants हैं, उनको use किया जाता है furniture बनाने के लिए, आपके table chair वगैरह बनाने के लिए. बहुत सारे plants हैं जैसे कि तुलसी, eucalyptus, नीम, इन्हें जो है medicine के form में use किया जाता है, means इनकी दवाइयों के form में इन plants को use किया जाता है. कुछ प्लांट फाइबर हैं जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, इन्हें यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, बोरियों को बनाने के लिए. आप देख सकते हैं जूट को यूज़ किया गया बोरी बनाने के लिए. अब जो जूस है एकेशिया मींस कीकर का, उसे यूज़ किया जाता है गम बनाने के लिए, गोंद बनाने के लिए, ग्लू बनाने के लिए.
स्टेम ऑफ बैम्बू प्लांट आर यूज टू मेक पेपर. अब जो बैम्बू प्लांट का जो स्टेम है उससे पेपर बनाया जाता है. वेजिटेबल ऑयल सोप एंड शैम्पू ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स. ये भी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं हमें. एंड पेंट ऑल्सो कम कंटेन सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. और पेंट में भी ऐसे सब्सटेंस है जो प्लांट से हमें मिलते हैं. तो आप देख सकते हो प्लांट गिव अस मेनी थिंग. प्लांट हमें बहुत सारी चीज़ें देता है. नाउ चिल्ड्रन दिस वॉज अ चैप्टर. लेट्स मूव ऑन टू फ्लैश बैक. प्लांट्स हैव डिफरेंट फीचर्स टू सूट देयर नेचुरल सराउंडिंग. एक्वाटिक प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम फ्लोट और स्टे अंडर वाटर. प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज्ड टू स्टे यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. इंसेक्टिवरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. हियर द फर्स्ट वर्ड इज टेरेस्ट्रियल प्लांट. सो दीज आर प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड. नेक्स्ट कम्स एक्वाटिक प्लांट. दीज आर प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. एंड नेक्स्ट इज इंसेक्टिवरस प्लांट. दीज आर प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट एंड फीड ऑन देम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ए एक्सरसाइज of this chapter, which is take the correct option. So plants that grow on mountain are called pine, cedar, spruce, or all of these. So these are all of these. Now children, the second question is mangroves are the plants that grow in desert, marshy land, ocean or mountains. So mangroves are plants that have breathing roots and so they grow in marshy lands. Like this children, you have to do question number 3 and 4 yourself. Now let's move on to B exercise, which is give an example of each. So children, here the first question is a plant that grow does not have leaves but spines. ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसके पास लीव्स नहीं है बट स्पाइंस हैं, कांटे हैं. सो दैट इज कैक्टस. सेकेंड वन, ट्रीज दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज. सो इन मार्शी एरियाज ट्रीज लाइक मैनग्रोव्स ग्रो. Like this, children, do the question number 3 and 4 yourself. Now let's move on to C exercise, which is match each terrestrial plant with the place where they grow. So, आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ terrestrial plants के name दिए गए हैं और आपको कुछ places दिए गए हैं. आपको उन places से उन plants को match करना है. तो पहले आप देखिए coconut है. Coconut कहाँ पे grow होता है? It's grown in coastal areas. Mango कहाँ पे grow होता है? It's grown in plains. So similarly, children, you have to do the rest of the questions yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first one is a cactus plant has not leaves. How does it help the plant? So a cactus plant has no leaves but they have spines in place of leaves and these spines help that cactus plant to reduce the water transpiration. These cactus plants also have stem which help in preparing the food. Now, how do breathing roots help the plant that grow in marshy areas? So, in marshy areas, plants have breathing roots because the air, the soil at that place has wet clay soil. So, this wet clay soil does not allow air to mix with the soil. So, what happens? Root at these places come out of the soil and they act as breathing roots. So now children, like this, do the rest of the questions, question number 3, 4, 5 yourself. With this children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. You have learned about different types of plants and where all they grow. So children, do the exercise that is given to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.